आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। जनता की सेवा करना हमारे दिल में है। अमेठी तिलोई विधानसभा की भावी विधानसभा प्रत्याशी अमरनाथ पांडे के कारण सराहनीय कार्य विगत 6 माह से गरीबों की मदद करके अपनी पहचान तिलोई में बनाकर एक समाज सेवी अमरनाथ युद्ध ब्रिगेड टीम के संस्थापक ने तिलोई के जनता के दिल में राज करने वाले अमरनाथ पांडे के द्वारा COVID-19 के चलते पूरा देश परेशान था, लेकिन उनके द्वारा लोगों तक मदद पहुंच रही है। क्षेत्र में लोगों ने बताया अमरनाथ द्वारा चाहे खाद सामग्री रही हो या गमछा, पूरी तरह हमारे यहां मदद हो रही है। अमरनाथ पांडे ने बताया, हम तिलोई में राज करने नहीं आए, राज कराने आए हैं। तिलोई की जनता सन 2022 में राज करेगी। आज तिलोई की जनता सन 2022 में राज करेगी, विकास होगा। और कहा कि हम कसम खाकर कहते हैं, अगर तिलोई की जनता ने हमको विधायक बनाया तो हम एक पैसे की चाय नहीं पियेंगे और तिलोई को सजा कर रख देंगे। हमने देखा है तिलोई में सड़कों पर गड्ढे का अंबार, कोई विकास नहीं। लेकिन मैं तिलोई की जनता से वादा करता हूँ, विकास इतना आगे जाएगा कि शायद अमेठी जनपद ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तिलोई की पहचान विकास के नाम पर अलग पहचान होगी। हम यहाँ पर जातिवाद की राजनीति करने आए हैं, बल्कि हर समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलेंगे, ये मेरा वादा है, ये हमारे खून में है। और उन्होंने कहा, तिलोई हमारा है, हमारा रहेगा। उन्होंने नवरात्र को लेकर तिलोई विधानसभा के लोगों को नवरात्र की बधाई दी और दर्जनों गांवों में जाकर गमछा टी शर्ट लोगों को वितरण करने का कार्य किया और कहा, हम तिलोई की जनता के लिए हर संभव मदद करते रहेंगे। अमेठी से जिला संवाददाता आमिर हुसैन की खास रिपोर्ट। तक लाइव टीवी कैमरा मैन नान बाबू साथ जिला संवाददाता अमेठी आमिर। आपको बताते चले, COVID-19 के चलते पूरा देश वापिस परेशान था, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में एक ऐसे भावी प्रत्याशी, एक ऐसे विधायक प्रत्याशी जो है हर लोगों की संभव मदद करने के लिए, आपको मैं बताते चलूं, तिलोई विधानसभा क्षेत्र के एक यूथ ब्रिगेड अमरनाथ पांडे द्वारा इस महामारी के चलते इनके पूरे क्षेत्र में लोगों को चाहे राशन की खास सामग्री की बात रही हो या भोजन खिलाने की बात रही हो या लोगों को अंगूठा या वह जरूर मदद करने की बात रही हो, हमेशा अमरनाथ यूथ ब्रिगेड की टीम, हमने देखा इंडिया तक चैनल के माध्यम से कि इनकी टीम पूरी जो है लोगों को एक थाली में भोजन भरने का कार्य किया जा रहा। जैसा कि सूत्रों के इंडिया तक चैनल के माध्यम से अमरनाथ यूथ ब्रिगेड ऐसा मामला आया है कि इनके द्वारा इन्होंने एक सोच बनाई है कि मैं किसी की चाय नहीं पीऊँगा और यहाँ पे जो है यदि तिलोई की जनता ने मुझे आशीर्वाद प्यार दिया, यदि विधायक बनाया तो तिलोई विकास के नाम पे अमेठी जनपद में ही नहीं उत्तर प्रदेश में तिलोई की एक अलग पहचान होगी। तो जैसा कि नवरात्र को लेके अमरनाथ द्वारा क्षेत्र तिलोई की जनता को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई दी, उसके बाद में इन्होंने लोगों को नवरात्र के शुभ अवसर पर अंगूठा गमछा टीशर्ट बांटने का कार्य किया। इन्होंने इनके द्वारा जो है हमेशा मदद होती रही है लोगों की। मैं इंडिया तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखे थे और मतलब हम खबर कवरेज के दौरान लोगों में हमने सुना है। तो अब तिलोई की जनता क्या प्यार देगी, क्या आशीर्वाद देगी, क्या अमरनाथ पांडे को कहाँ तक इनकी राजनीतिक सफलता को प्यार देगी, मैं आइए इंडिया तक न्यूज चैनल के माध्यम से मैं तिलोई विधानसभा के भावी प्रत्याशी अमरनाथ पांडे से बात करना चाहता हूँ। तिलोई को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या प्यार देना चाहते हैं, यदि तिलोई की जनता ने आपको विधायक बना तो कहाँ तक तिलोई के जनता को प्यार देंगे, कहाँ तक विकास कराएंगे, इंडिया तक न्यूज चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? अमरनाथ पांडे, युद्ध ब्रिगेड जी। भैया, इंडिया तक चैनल के माध्यम से हमने जब से महामारी बीमारी आई है, हमने देखने का कार्य किया है, चाहे राशन गरीबों को पहुंचाने की बात रही हो, गमछा की बात रही हो, हर संभव लोगों की मदद करते चले आ रहे हैं। क्षेत्र में हमने इंडिया तक चैनल के माध्यम से जानकारी भी है लोगों से, ऐसे परिवार रहे हैं तिलोई विधानसभा के क्षेत्र में जिनको एक समय खाना नसीब होता था, एक समय वो भूखा सो जाते थे, लेकिन आपके टीम द्वारा लोगों ने आपसे बताया तो आपसे देखा नहीं गया तो आपने उनको जो है थाली में भोजन भरने का कार्य किया है, तो किस प्रकार से लोगों की मदद की है? हमारा यही विचार है, हमारे युवाओं के बीच में हमारी एक सोच बना रहे हैं कि आने वाले समय में हम भी किसी दिन, एक बहुत गरीब ब्राह्मण घर के मैं लड़का हूँ जी, मैं आज इस जगह पे हमें माता रानी पहुँचाई हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे जैसा जो गरीब आज जाके अहमदाबाद में हम सेट होकर आज फिर अपने कर्मभूमि पर हम आए हैं वापस नोना में, हमें चाहते हैं कि हमारा कोई भाई आने वाले समय में 5 साल में कोई बाहर ना जाना पड़े,
हम यहाँ रोजगार देना चाहते हैं। हमारी एक पहली सोच है कि एक विधानसभा के एक रुपए की भी चाय नहीं पीऊंगा, मैं माता रानी के स्थान में बैठा हूँ। मेरा एक ही सोच है कि तिलोई विधानसभा पूरे यूपी में अलग पहचान बने। तिलोई एक राजनीतिक क्षेत्र रहा है, विकास के नाम पे लगता है जीरो रहा, तो अगर आपको तिलोई विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद देगी या विधायक तक मंजिल तक पहुंचाएगी, तो क्या जिस प्रकार से लोगों की मदद करते चले आ रहे हैं, क्या विधायक बनने के बावजूद भी लोगों की समस्याओं को लेके या जो थाली में भोजन भरने कार्य कर रहे हैं या विकास को लेके कहां तक आगे ले जाएंगे? माता रानी की कृपा होगी, विधायक बने या ना बने हम सेवा करते रहेंगे अपने बुजुर्गों का। हम ये नहीं कि हम बारिश के मेढक जैसा काम नहीं करने आए, हम अपने भाइयों बुजुर्गों के बीच में हम लाइफ टाइम जब तक हमें माता रानी उससे करेंगे अपनी लाइफ को। मैं आज के 10 साल पहले मैं सोच के रखा हूँ, 10वां हिस्सा जो हम कमाएंगे 10वां हिस्सा अपने भाइयों बहनों के बीच में हम खर्च करेंगे। हमारी एक ही सोच है कि एक दिन ऐसा समय आएगा हमारे ऊपर गर्व करेंगे हमारे बुजुर्ग जितने हैं और हमारे भाई युवा जितने हैं आने वाले समय में। और पहली बात एक चीज़ और बताने जा रहे हैं, हम जात पक्ष की राजनीति यहाँ करने नहीं आए, हर एक बिरादरी को हम लेके चलेंगे और हर सबको हम यहाँ रोजगार देने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से आपके द्वारा लोगों की मदद हो रही है, क्या ऐसे हमेशा ये कंटिन्यू पूरी लाइफ टाइम चलो जब तक हमारा सांस रहेगा? मैं आपको ये और ही बता रहा हूँ कि इतना हारना माता रानी के हाथ में, पूरी लाइफ मैं तिलोई से जुड़ चुका हूँ, तिलोई में हरदम मैं साल का 12 मास में काम करता रहूँगा। ठीक, इंडिया तक चैनल में आपका धन्यवाद।